जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा मद्य निषेध सिपाही के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यदि आप केवल और केवल 12वीं पास हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये ऑल इंडिया जॉब है, सभी राज्य के कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, 13 सितंबर 2022 लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म भरने की। इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा कि मद्य निषेध सिपाही की पोस्ट यहाँ पास निकाली गई है। वेतन आपको 21,700 रुपये से लेकर 53,100 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पास वेतन दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पास पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर तीनों आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो यदि आप केवल और केवल 12वीं पास हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको यहाँ पास उम्र देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पास अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग उम्र रखी गई है। जैसे यहाँ पास जनरल कैटेगरी के पुरुषों और महिलाओं के लिए 18 साल से लेकर 25 साल एज रखी गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 18 साल से लेकर 27 साल एज रखी गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 18 साल से लेकर 28 साल एज रखी गई है। एससी एसटी कैटेगरी के पुरुषों और महिलाओं के लिए तथा थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों के लिए 18 साल से लेकर 30 साल तक एज रखी गई है। ओके, फिर इसके बाद आपको यहाँ पास एज में छूट भी मिल जाएगी, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगी हाइट, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग हाइट रखी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सीना की अगर बात करें तो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर यहाँ फूलना चाहिए। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पास आपका सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर होने वाला है। लिखित परीक्षा आपकी 100 अंकों की होगी, 100 नंबर का आपका पेपर यहाँ पास होगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। ओएमआर आंसर फीड पर आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। आप यहां पर सिलेबस देख सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स से यहाँ पास प्रश्न पूछे जाएंगे। आप यहाँ पास ध्यान में रखेंगे कि ये मेरिट लिस्ट जो है तो लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार नहीं होने वाली है, आपको फिजिकल में भी यहाँ पास नंबर लाना पड़ेगा। आपका यहाँ पास जो दौड़ होगी तो 50 नंबर की होगी, अलग अलग समय के लिए आपको अलग अलग नंबर यहाँ पास दिए जाएंगे। इसके बाद आपका गोला फेंक होगा 25 नंबर का, आप यहाँ पास देख सकते हैं जितना दूर आप फेंकेंगे उतना अधिक आपको नंबर यहाँ पास दिया जाएगा। इसके बाद ऊंची कूद होगी 25 नंबर की, आप यहाँ पास देख सकते हैं जितना ऊंचा आप कूदेंगे उतना आपको नंबर यहाँ पास दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा कि ये जो मेरिट लिस्ट है तो दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक के आधार पर और यहाँ पास जो आप पेपर में नंबर पाते हैं उसके आधार पर यहाँ मेरिट लिस्ट तैयार होने वाली है, ठीक है। तो बात हुई क्लियर, दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक और पेपर में जो आप नंबर पाएंगे उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इसी आधार पर आपका यहाँ पास फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। आप यहाँ पास पोस्ट देख सकते हैं, टोटल 76 पोस्ट निकाली गई हैं। ऐसा आप यहाँ देख सकते हैं, आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। यदि आप किसी अन्य राज्य से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। आप इस पोस्ट के लिए आवेदन 13 अगस्त 2022 से कर सकते हैं। आप यहाँ पास देख सकते हैं, यदि आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या बिहार राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपकी फीस 675 रुपये लगेगी और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और बिहार राज्य के मूल निवासी हैं तब आपकी फीस यहां 180 रुपये लगेगी। बात हुई क्लियर। तो दोस्तों, ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।